तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल लीजिए क्लासेस में। बहुत जल्दी मैं आया हूँ, एक थोड़ी सी अच्छी यानी एक इन्फॉर्मेशन देनी है आपको ट्विटर कैंपेन से रिलेटेड। ठीक है, UPSI के लिए यदि आप कुछ कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ज़रूरी ये वीडियो है, और मुझे लगता है ये वीडियो बनाना ज़रूरी है क्योंकि किसी भी यूट्यूबर ने ऐसी कोई बात बताई नहीं है और ये मेरे साथ हो चुका है, इसलिए मैं आपको अवेयर करना चाहता हूँ कि कहीं आपका फ्यूचर शुरू होने से पहले ही ख़त्म ना हो जाए। इससे पहले चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा हर एक बंदे तक जो भी ट्विटर कैंपेन में साथ ले रहा है, क्योंकि उसको बहुत सी बातें नहीं पता है वो ट्विटर कैंपेन में आए, क्योंकि ट्विटर एक अलग दुनिया है और वहाँ पर जो भी आप ट्वीट करते हैं ना उस पर लीगल एक्शन लिया जा सकता है। ठीक है, फेसबुक वेसबुक पे नहीं लिया जाता, बट इस पर लीगल एक्शन लिया जा सकता है। इसलिए प्लीज़ मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा और तभी आगे काम करिएगा। ठीक है, तो ट्विटर कैंपेन जैसे आप समझते हैं कि हम UPSI के लिए चला रहे हैं, क्यों चला रहे हैं, क्योंकि बहुत दिन से नोटिफिकेशन की बात चल रही, पिछले साल से चल रही है, ऑलमोस्ट बोले 2018 से बात चल रही है, मगर अभी तक ज़मीनी हकीकत पे ऐसा कोई काम नहीं हुआ है, अभी नोटिस नहीं आया है। वेबसाइट भले रिन्यू हो रही है, सर्वर उसका मेंटेन हो रहा है, पर अभी भी नोटिस, कोई भी नोटिस नहीं आई सरकार की तरफ से। और मुझे लगता है सरकार की जिम्मेदारी है बच्चों के प्रति, युवाओं के प्रति, कि उनको अवेयर करना चाहिए। ये मेरा निवेदन है, यदि कोई भी व्यक्ति वहाँ तक ये वीडियो पहुँचा सकता है तो मेरा निवेदन है सिर्फ कि कृपा करके बच्चों के लिए कुछ करें। आप जानते हैं कि बिहार में शराब बंद है, पर अब आपको पता होगा कि हवा में कुछ और होता है और ज़मीन में कुछ और होता है, वो बस यही कहानी है। न्यूज़पेपर में, डेली न्यूज़पेपर में कभी ना कभी कुछ ना कुछ न्यूज़ आती रहती है, मगर उसका भर्ती से कोई संबंध नहीं है। अब तो मैं एकदम साफ साफ समझ गया, क्योंकि भर्ती में नोटिस आ ही नहीं रहा है। अब पता नहीं क्या मंशा है, नवंबर में जैसे आना है तो हम नवंबर भर वेट करेंगे, जैसे आज ट्विटर कैंपेन रखा गया है, तो मुझे लगता है इस ट्विटर कैंपेन से भी कुछ दबाव पड़ेगा, क्योंकि उनको लगता है ना, मेन बात सरकार क्या होती है, सरकार युवाओं को क्या समझती है, थोड़ा सा मतलब बेवकूफ़ टाइप की समझती है, कि ये हवा हवा है, थोड़ा सा जोश होता है, गर्म होता है, फिर ठंडा हो जाता है। और सही बात है, ये ऐसा रहा भी है, जबकि हमारा देश क्रांतिकारियों का देश है, ऐसा कुछ है नहीं, पर जब भी कुछ होती है मनसा तो ट्विटर कैंपेन आज हम लोग आए हैं। क्या नहीं करना ये बस ध्यान सुन लो, क्या नहीं करना है, क्योंकि मेरे साथ ये कहानी हो चुकी है। देखो, जब भी आप ट्विटर कैंपेन में आईडी वाईडी बनाओगे, आपकी आईडी बनी होगी, आपने पीछे वाले में 24 तारीख वाले में पार्टिसिपेट किया होगा, 100% किया होगा। ठीक है, पर जब मैंने 24 तारीख को पार्टिसिपेट किया था तो मेरी आईडी बनी थी और मैंने बहुत सारे ट्वीट किए थे, लगभग मेरे 400-500+ ट्वीट मेरे अकेले थे। ठीक है, तो मेरी आईडी क्या हुआ, मैं 11 बजे तक मेरी आईडी एकदम सही चल रही थी, पर 11 बजे बाद मेरी आईडी ब्लॉक हो गई थी। ठीक है, या फिर बोले ब्लॉक हो गई, टर्मिनेट हो गई, कुछ भी आप समझ सकते हैं। क्यों हो गई, इसका रीज़न साफ है, मैं भी जानता हूँ, कुछ ना कुछ ऐसे शब्द रहे होंगे जो जिससे किसी को भी समस्या हो सकती है। ठीक है, अब बहुत लोग ये कहेंगे कि अरे मेरी आईडी नहीं हुई, तो भैया पता नहीं आपकी आईडी नहीं हुई, पर मेरी आईडी हुई है। ठीक है, क्योंकि मैं यदि बोलूँ तो मैं गलत नहीं बोलूँगा, मैं प्रशासन के बहुत करीब रहा हूँ। ठीक है, और काफ़ी करीब रहा हूँ, ये मान के चलो कि मैं CM आवास के आसपास ही रहा हूँ लगभग 1 साल के आसपास, और DM और DSP SDM और इनके साथ तो मेरा बैठना हुआ है, उठना बैठना हुआ है। ठीक है, उनके साथ हमने चाय पी है, जैसे हमारे समाज कल्याण मंत्री, उनके साथ हमने हम लोगों का चाय पीना हुआ है। ठीक है, तो मैं काफ़ी करीब रहा हूँ और मैं उनको बहुत अच्छे से फॉलो भी करता हूँ, शायद कुछ ऐसा हो गया हो। अब आप सोच रहे होंगे क्या भैया नेता नेता के लड़के हो गया तो ऐसा नहीं है, आपके अंदर काबिलियत है तो आपको लोग हर जगह पूछेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। यदि आपके अंदर टैलेंट है तो लोग सामने से अप्रोच करेंगे। ठीक है, वो कभी एक अलग कहानी है, वो मैं कभी अपने जब अपनी स्टोरी बताऊंगा तो मैं उसको भी इंक्लूड करूंगा कि ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, तो आपको ऐसा कोई ट्यूट नहीं करना है जिससे आप समस्या में पड़ जाए, जिससे आप समस्या में पड़ जाए। तो अपनी भाषा को, बस मेरा इस वीडियो का कहने का बस एक ही मतलब है कि अपनी भाषा को बहुत सीमित रखिएगा। हम प्रशासन का विरोध कर रहे हैं, ध्यान सुनिए मेरी बात में, बात में एक लाइन की बात है, मगर ध्यान सुनिएगा, हम प्रशासन की बात कर रहे हैं, यानी प्रशासन की खामियों को दूर कर रहे हैं, हम सरकार के विरोध में नहीं है। सरकार के विरोध में क्यों नहीं है, इसका रीजन मैं बता देता हूं, सरकार आज है कल नहीं होगी, कल है फिर परसों नहीं होगी, यानी सरकार हर 5 साल में बदलती रहती है, पर प्रशासन एक ऐसा ढांचा होता है
जो कभी नहीं बदलता, हमेशा वो बना। यदि हमने उसको सुधार लिया तो सरकार तो अपने आप ही, क्योंकि हर सरकार काम करना चाहती है, पर जानते हो ऊपर से लेकर नीचे तक ऐसे लोग होते हैं वहाँ पे जो काम करने नहीं देना चाहते, या फिर एक ही प्रभुत्व को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, धांधली क्यों होती है? क्योंकि एक ही तबके के लोग सोचते हैं कि हमारा ही वर्चस्व होना चाहिए और किसी का वर्चस्व नहीं होना है। मैं पर्टिकुलर किसी पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, पर ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हमारे देश में ऐसा चीज़ होती आई है, और आज से नहीं, ये बहुत समय से होती आई है। ठीक है, जब हमारा हमारा देश यानी जब हिंद बना भी नहीं था, हिंदुस्तान बना भी नहीं था, तब से ये चला आ रहा है। ठीक है, आप कहोगे आप कैसे बोल रहे हो, तो भैया जब हिस्ट्री में पढ़ाऊँगा तो मैं हिस्ट्री ये लूसेंट वाली नहीं पढ़ाता हूँ कि अकबर के पिता कौन थे और हुमायूं का पिता कौन थे, ये सब नहीं पढ़ाता हूँ मैं। जब मैं पढ़ाऊँगा ना तो खोद के निकाल दूंगा, वो एक अलग लेवल की चीज़ है, वो अभी मैं शुरू नहीं कर रहा हूँ। तो आपको अपने ट्विटर कैंपेन में अपनी भाषा को बहुत ही सहज रखना है, ऐसे ऐसा लिखना है कि बिल्कुल ना लगने पाए कि आप सरकार का विरोध कर रहे हैं। क्योंकि आप देखे होंगे, यदि पता नहीं आपने न्यूज़पेपर पढ़ा नहीं, यदि पिछले एक साल का न्यूज़पेपर उठा लीजिए और आप देख लीजिएगा कि यदि किसी ने भी सरकार के विरुद्ध कुछ बोला है और उसके ट्विटर आईडी पे कुछ ऐसा हुआ है, तो सीधे उठा करके अंदर डाल देते हैं, यूएपीए लगा देंगे, पोस्को लगा देंगे, कुछ भी लगा देंगे, एनएसए, इस समय तो एनएसए बहुत चल रहा है, तो कुछ भी लगा के अंदर कर देंगे, तो आपका फ्यूचर शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो जाएगा। माफ़ करिएगा, मैं आपको डरवा नहीं रहा हूँ, पर ये रियलिटी है। ठीक है, कल मैं अभी बिहार की न्यूज़ देख रहा था, तो जब शराबबंदी हुई तो 2 लाख लोगों को उठा करके बंद कर दिया था, कोई सबूत नहीं था, कुछ भी नहीं था, उठा के बंद कर दिया गया, उनके ऊपर चार्जेस लगा दिया गया। ठीक है, लोग विदेश में नौकरी कर रहे थे और वो आकर के यहाँ पर रहे होंगे और उठा करके बंद कर दिया, उनका फ्यूचर ख़त्म हो गया। तो मेरा आपसे निवेदन है, कभी भी अपनी ट्विटर हैंडल पे कभी भी ऐसी कोई भी आपत्तिजनक चीज़ ना डालें जिससे आपको कोई परेशानी का सामना करना पड़े। ठीक है, ये हर एक पे लागू होता, हर एक पे, ये बहुत सीरियस बात है, और मुझे बिलीव नहीं होता कि किसी भी यूट्यूबर ने इस चीज़ को पॉइंट आउट नहीं किया है। ठीक है, क्योंकि मेरे साथ, मैंने भी नहीं किया था पहले, पर मेरे साथ हो चुका है, मेरा टर्मिनेट हो चुका है अकाउंट। तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ ऐसा कभी ना होने दे, और हो सके ये वीडियो सब तक पहुँचाए, क्योंकि मैं चाहता हूँ किसी भी बच्चे के साथ अनहोनी ना हो, किसी बच्चे, आप जानते हैं एक चैट से सारी कहानी बदल जाती है, एक चैट से सारी कहानी बदल, ये जितना भी डाटा होता ना सब स्टोर होता सर्वर में, पूरा पूरा डाटा। आप व्हाट्सएप पर जो बात करते हैं, व्हाट्सएप पर जो कॉल करते हैं, कॉलिंग करते हैं, कुछ भी करते हैं, आपका सारा डाटा स्टोर होता है। तो कृपया करके आप कभी भी ऐसी कोई गलती ना करें, और यदि आपने साइबर एक्ट पढ़ा है तो मुझे लगता है कि आप थोड़े से जानकार होंगे, यदि नहीं पढ़ा है तो आप विश्वास रखिए मैं पढ़ाऊंगा तो आपको बता। और ये जो लोग कमेंट करते ना, गाली गलौज दुनियादारी, करते रहो भैया, जिस दिन किसी का मूड संकेगा ना, आपकी आईडी उठा करके साइबर कैफे में डाल देगा। फिर ये मत कहना अरे हम तो 5G बना लिए थे, बेटा साइबर आईडी से नहीं डायरेक्ट की जाती, आईपी एड्रेस से निकाली जाती है, और यदि आईपी एड्रेस तुम्हारा मिल गया ना, खोद के तुमको तुम्हारा पिछवाड़ा लाल कर देंगे। तो ये सब जो गंदे कमेंट है, गाली गलौज दुनिया दी, क्योंकि ये मान्य नहीं है साहब, ये बिल्कुल मान्य नहीं है। मगर आप ये करते हैं और यूट्यूबर सहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं यार किसी के भविष्य खतरे में नहीं डालने वाला है, मगर यदि आप किसी चीज़ की अति करेंगे वो गलत। इसलिए ट्विटर कैंपेन में अपनी भाषा को बहुत साफ रखिएगा और बहुत हम्बल रखिएगा, बस निवेदन करिएगा, निवेदन। ठीक है, निवेदन ही आपका काम है, यही आपका हथियार है। गांधी जी ने भी कहा है कि अहिंसा से सारे काम करने हैं हमको, हिंसा कुछ नहीं करनी, यानी अपनी भाषा में भी हिंसा तुम्हें दिखानी बिल्कुल भी नहीं है। अब मेरी बात आपको अच्छी लगे बुरी लगे वो आपकी प्रॉब्लम है, पर मैं मानता हूँ ये काम, ये बात बहुत ज़रूरी थी, इसलिए मैंने सारा काम छोड़ करके, मुझे ये वीडियो कल ही बनाना था, मगर मैंने सारा काम छोड़ करके ये वीडियो अभी बनाई कि बच्चे अभी ट्यूट करेंगे तो ये बात उनको पता है, इसलिए अपनी भाषा को संयम रखें। बाकी वीडियो पसंद है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, हर एक बंदे तक पहुंचा दीजिएगा, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं ना बहुत जोश से भर जाते हैं तो वो सरकार के खिलाफ भी बोल देते हैं, यदि नज़र पड़ गई उस ट्वीट पे तो जाहिर सी बात है आप पे फिर एक्शन हो सकता है। ठीक है, मैं डरवा नहीं रहा हूं, पर मैं सहजता से आपको बोल रहा हूं कि आप अवेयर रहें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो इस वीडियो में थैंक यू सो मच।